Hi guys, this is Manu Mishra. So welcome back with a session जिसमें आज हम लोग 2nd of July के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. So before we go through the analysis of today's newspaper, first let me know am I perfectly audible or not? Good morning all of you. Good morning everyone. Just let me know am I perfectly audible? Okay, seems all fine about the audibility. So let's start with the analysis of today's newspaper and let's see कि आज के newspaper में हमारे examination perspective से क्या क्या important news हैं. Okay, let's start. So the first news it's from Supreme Court. ठीक है, अच्छा बहुत लोगों का issue था सर zoom करने का. So आज से zoom भी करते हैं, देखते हैं कि भाई zoom में कैसा एनालिसिस होता है आज से. So let's go through the first news. So the first news is about Nupur should have apologized, say Supreme Court. हुआ क्या देखो, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा गई थी. अब क्वेश्चन अराइज होता भाई नुपुर शर्मा क्यों गई सुप्रीम कोर्ट, हुआ क्या? जब नुपुर शर्मा ने ना जब डेरोगेटरी रिमांड दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट, तो जब हुआ क्या तो उनके खिलाफ ना बहुत जगह एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, बहुत सारे कोर्ट्स में आपके कभी कलकत्ता में हुआ, कभी कहीं साउथ में हुआ, केरला में हुआ, मध्य प्रदेश में. इतनी ज्यादा एफआईआर फाइल हो गई नुपुर शर्मा के अगेंस्ट कि उन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है ना. अब हुआ क्या, नुपुर शर्मा हर जगह तो जा नहीं सकती. जैसे कि अभी कलकत्ता पुलिस ने उनको समन किया, समन मतलब बुलाया कि भाई कलकत्ता पुलिस ने बोला कि देखो आपको आना पड़ेगा और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्यों किया और पूरा प्रोसीजर होगा. अब अभी जो कलकत्ता पुलिस बुला रही है, मान के चलो कल आकर कोई और पुलिस बुलाने लगी, किसी और स्टेट की पुलिस बुलाने लगी, तो नुपुर शर्मा तो परेशान हो जाएंगी. तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई है उन सबको क्लब कर देना चाहिए क्योंकि इशू सेम है. तो एक ही सिंगल एफआईआर होनी चाहिए और वो सिंगल एफआईआर पे मेरा केस डेल्ट होना चाहिए. ये चीज को लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा. सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टी चल रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है जब छुट्टी चलती है, जैसे कि मान के आपके समर वेकेशंस होते हैं स्कूल्स में, आप जब स्कूल्स में पढ़ते हो गया पढ़ते हैं तो समर वेकेशंस होते हैं, विंटर वेकेशंस होते हैं. समर वेकेशन जो होता है तो थोड़ा सा आपका 1 मंथ या 1.5 मंथ का होता है ना. वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में भी ना वेकेशन होता है, जज छुट्टी पे जाते हैं लेकिन वेकेशन बेंच बना के जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं ना, अब कुछ जज होते हैं जैसे मान के चलो जब आप समर वेकेशन होता है तो भाई सारे आपके जो दोस्त हैं वो मामा के घर तो नहीं जाते या नाना नानी के घर तो नहीं जाते, कहीं घूमने तो नहीं जाते. कुछ लोग होते हैं जो घर पे ही रहते हैं, नहीं जाना होता उनको, नहीं जाते, कुछ रीजन होता होगा या उनका मन नहीं होगा इस बार जाने का तो नहीं जाते होंगे, घर पे ही रहते होंगे. तो वैसे ही कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जिनको वेकेशन लेने का मन नहीं करता, तो ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि भाई ये 4 या 5 लोग ना वेकेशन बेंच बना के बैठेंगे. तो वेकेशन बेंच बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स 2 जजेस की होती है. सो अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस उन्होंने इस केस को डेल्ट किया एंड उन्होंने नुपुर शर्मा की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है ना. उन्होंने नुपुर शर्मा की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि नुपुर शर्मा को ना अपोलोजाइज करना चाहिए इस देश की जनता से जिन्होंने टीवी डिबेट में डेरोगेटरी रिमार्क दिया. इवन एक जज ने यह भी बोल दिया कि उदयपुर में जो किलिंग हुई है कन्हैया लाल की वो नुपुर शर्मा लाइबल है, उसके लिए नुपुर शर्मा ने करवाया है वो. अगर नुपुर शर्मा ऐसा रिमार्क नहीं देती तो ऐसे इंसिडेंट इंडिया में होते ही नहीं, इतना अनरेस्ट इंडिया में नहीं होता, इतना कम्युनल क्लैश देखने को इंडिया में नहीं मिलता. दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड एंड सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्ली ऑफ नुपुर शर्मा. ओके, सो आज के फर्स्ट पेज में यही इंपॉर्टेंट न्यूज है. बाकी ये बात करें तो दिस इज टोटली अबाउट पॉलिटिक्स. अभी पॉलिटिक्स वाली बात आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी से निकाल दिया एंड उसके साथ उन्होंने ये चीज और बोली है कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के लीडर नहीं है, ना ही शिवसेना के वो वर्कर है. ये चीज मूविंग फॉरदर, लेट्स मूव ऑन टू दी स्टेट न्यूज. सो फर्स्ट स्टेट न्यूज देखो, यहां पर हम बात करें ना तो यहां पर जो लिखा गया है कि हाई कोर्ट रिलीफ फॉर मैन चार्ज्ड अंडर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस का जो फर्स्ट एलिट वन लाइनर है, तो एलिट वन लाइनर, देखो जब हम बात करते हैं ना एलिट वन लाइनर की, तो वन लाइनर समथिंग कि भाई आप वन लाइन में कोई चीज समझा दो, है ना। बट अपन वन लाइन में अगर कोई चीज समझाएंगे ना तो आप लिख सकते हो वन लाइन, जैसे कि एनएसए है तो एनएसए किस ईयर में आया, सो इट्स 1980, तो ये भी वन लाइनर हो गया। अब एनएसए बोलता क्या है, तो इसी के चलते एक टॉपिक अपन समझेंगे एंड उस टॉपिक के अंदर ही एनएसए एलिट का वन लाइनर कंप्लीट होता जाएगा। ओके, सो जैसे कि एनएसए है क्या, तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट एनएसए सेज, व्हाट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सेज। देखो अगर हम एनएसए की बात करें, आपके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया, पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कम्स इन द ईयर 1980 एंड एनएसए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। देखो दो तरीके के लॉ होते हैं या दो तरीके के क्राइम होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव क्राइम, एक होता है प्यूनेटिव क्राइम। अब प्रिवेंटिव क्राइम का मतलब कि आपको रोका जा रहा है ना, आपको रोका जा रहा है कि आप फर्दर क्राइम ना करो। मतलब दो तरह के डिटेंशन होते हैं, क्राइम नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया। दो तरीके से डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनेटिव डिटेंशन। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज समथिंग कि आपको डिटेन किया जाएगा और आपको रोका जाएगा कि कहीं आप फ्यूचर में क्राइम ना करो। वही प्यूनेटिव क्राइम जो होता है कि आपने एक्ट कर दिया, आपने क्रिमिनल एक्ट कर दिया, उसके बाद आपको कन्विक्ट किया जाएगा। जैसे कि मनु मिश्रा जो है उसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है एंड वो पब्लिक स्पीकिंग से शायद कम्युनल वायलेंस करा सकता है, कियोस क्रिएट करवा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करवा सकता है जनता से। तो मनु मिश्रा को किस में रखा जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कि मनु मिश्रा क्राइम करवा सकता है फ्यूचर में। तो मनु मिश्रा को बोला जाएगा, मनु मिश्रा प्लीज आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहिए क्योंकि आप क्राइम कर सकते हो फ्यूचर में। और प्यूनिटिव डिटेंशन मान के चलो, मनु मिश्रा ने एक्सीडेंट कर दिया, अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो भाई वो क्राइम हो गया, नेग्लिजेंस था, क्राइम हुआ एंड मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो दैट इज प्यूनेटिव डिटेंशन। अब अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना दोनों की बात की गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी और प्यूनेटिव डिटेंशन की भी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 22 जो है ना, आर्टिकल 22 सेज, आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 जो है विच सेज कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्सनल लायबिलिटी किस लिए होता है, फॉर द स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए। हमेशा याद रखिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ दो रीजन की वजह से कराया जाएगा। क्यों, अगर स्टेट की सिक्योरिटी मतलब कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है या फिर आपके पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, तब। उसके साथ साथ यह भी चीज बोला गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो सिर्फ 3 महीने तक रह सकता है, 3 महीने के बाद एक्सटेंड हो सकता है, बट आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी विथ सम स्पेसिफिक ग्राउंड एंड रीजनेबल ग्राउंड। ये चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 मंथ से लेकर 2 मंथ कर दिया गया था। इनिशियली देयर वर 3 मंथ, ठीक है। बात की गई थी कि भाई 3 मंथ से 2 मंथ कर दिया जाए, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं मानेगी और ओरिजिनली जो है वो अभी आपका 3 मंथ ही है, 3 महीने ही है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बात जरूर हुई थी कि 3 महीने से 2 महीने कर दिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, फिर वो 3 महीने के 3 महीने ही रहा, ओरिजिनली वाला रहा। चलिए अब या मूविंग फॉरदर टुवर्ड्स दी नेक्स्ट न्यूज अगेन ऑन द स्टेट पेज। सो देखो एल्गर केस, एनआईए गेट्स अ वीक टू फाइल रिप्लाई ऑन हेनी बाबूज बेल प्ली। अब देखो इस न्यूज को देखने से ना हमें कुछ भी हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन हम इससे 2 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला, व्हाट इज एल्गर परिषद केस एंड व्हाट इज एनआईए, ये चीज अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये भी एलिट के वन लाइनर में 2 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन विल अंडरस्टैंड व्हाट एल्गर परिषद केस इज। देखो सबसे पहली बात, एल्गर का मतलब क्या होता है। एल्गर का सिंपल सा मतलब है अलाउड इनविटेशन और अ डिक्लेरेशन। मतलब आप किसी को बुला रहे हो, लाउड इनविटेशन दे रहे हो। मतलब जैसे गांव में होता है ना, क्या होता है देखो, आप सिंपल सी बात बताते हैं, अब जो गांव का होगा ना, जिसने कभी विलेज की लाइफ देखी होगी उसको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, या जिसने कभी ओल्ड मूवीज देखी होंगी उसको कुछ आइडिया होगा। जैसे अभी आपके घर में कभी भी कोई आपके मोहल्ले में या आपके रिलेटिव्स में जब शादी होती है तो आपको शादी का कार्ड दिया जाता है ना। लेकिन भाई विलेज पहले क्या होता है, विलेजेस में ना अभी कार्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, पहले नहीं था। विलेजेस में पहले क्या होता था, विलेज जो होता ना, एक विलेज इट्स अ फैमिली है ना, सब लोग फैमिली होते थे। तो एक पर्सन पब्लिकली अनाउंस करता था, घर घर नहीं जाते थे क्योंकि इतने सारे घर कैसे कवर होंगे। तो वो रोड से निकल के अनाउंस करता था कि भाई आज इनके घर में शादी है और आपको अटेंड करने आना है एंड आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उसके साथ साथ आपको खाना खा के भी जाना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था है ना। तो दैट पर्सन इज गिविंग वॉट, एल्गर। एंड एल्गर मीन्स वॉट, ओपन इन्विटेशन या ओपन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एल्गर परिषद हुआ। परिषद मतलब इट्स समथिंग लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इवेंट होना था। ठीक है, ओपन इनविटेशन इवेंट होना था। कब होना था? ये स्टार्ट होना था 2018 में, या हम बोल सकते हैं 2017 में, क्योंकि ऑन 31 दिसंबर 2017 को जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ आपका भीमे कोरेगांव में, तो क्यों इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था? क्योंकि 200 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा को। ठीक है, भीमे कोरेगांव जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर 200 साल पहले एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा। एंड बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा इज अ पार्ट ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। हुआ क्या, अब थोड़ा अपन हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं इसमें कि हिस्ट्री बोलता क्या है। देखो हुआ क्या, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हुई, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हुई। जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई ना, तो मराठास जो थे ना, इवन देखो इंडिया में ना कास्टिज्म जो है वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से चला आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, आपके अर्लियर वैदिक पीरियड में नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आया। अब जब कास्ट सिस्टम आया तो वो मराठास के पीरियड में भी था, क्योंकि मराठास तो 1880s के ही है, 17th सेंचुरी वाले लोग हैं, आपके 17th, 16th, 17th, 18th सेंचुरी वाले लोग हैं। हुआ क्या, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई तो आर्मी होती थी, मराठास आर्मी होती थी, मराठा आर्मी के जनरल्स होते थे और बड़े बड़े चीफ हुआ करते थे। तो वो सब ना अपर कास्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण्स हुआ करते थे। और एक जगह थी कोरेगांव भीमा, वहां पर लोअर कास्ट रहती थी, और लोअर कास्ट को मराठास कंसिडर ही नहीं करते थे एज अ ह्यूमन बीइंग। उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, मतलब जैसे कि आप समझो कास्टिज्म के कितने ज्यादा वो नुकसान होते हैं कि आप लोअर कास्ट के पर्सन को ह्यूमन नहीं समझते हैं। उनसे टैक्स लिया जाता था है ना, मराठास जो थे, जो लोअर कास्ट के लोगों से टैक्स लिया जाता था कि भाई आप टैक्स दीजिए, हर चीज होती थी, मतलब उनके ऊपर एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा होती थी। अब इस चीज का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। ब्रिटिशर्स की आर्मी की स्ट्रेंथ कम थी, ब्रिटिशर्स ने बोला कि क्यों ना हम इन लोअर कास्ट के लोगों को अपनी आर्मी में इंक्लूड करें। एंड ब्रिटिशर्स ने वही किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने लोअर कास्ट जो भीमे कोरेगांव भीमा में जो लोग रहते थे, लोअर कास्ट के लोग, उनको अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लिया। अब जैसे ही उनको आर्मी में इंक्लूड किया तो मराठास ने क्या कर दिया, वॉर किया। तो एक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में एक छोटी सी बैटल हुई थी कोरेगांव भीमा में, एंड उस कोरेगांव भीमा में ब्रिटिशर्स की आर्मी में लोअर कास्ट के लोग ज्यादा थे और मराठास आर्मी में अपर कास्ट के लोग ज्यादा थे। तो लोगों ने ना बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा में लोगों ने ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठा नहीं देखा, लोगों ने देखा अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, और उसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई। ब्रिटिशर्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जीत गया, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जीता, उसके साथ साथ बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा भी जीता, जो कि पार्ट है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। तो लोगों ने यह नहीं देखा कि ब्रिटिशर्स जीते हैं मराठास के ऊपर। बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा को उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया कि लोअर कास्ट जो है वो जीती है अपर कास्ट पर। सो वी आर नॉट सबऑर्डिनेट्स, ये एक तरीके से लोअर कास्ट को पता लगा। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। अब हुआ क्या, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस B.R. अंबेडकर कोरेगांव भीमा वहां पर गए थे, कोरेगांव भीमा में उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था है ना, क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कि भैया कि हमने ना अपर कास्ट पे जीत हासिल करी थी। तो देखो अब हर किसी अब इस डिबेट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए ना, कभी इंडल्ज हो, जब तक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तब तक इस चीज में इंडल्ज नहीं होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। इट्स टोटली अबाउट द फैक्ट कि क्या फैक्ट था क्या इंसिडेंट था, इट्स टोटली अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात थी। अब एल्गर परिषद जो इवेंट हुआ 2017 में ऑन 31 दिसंबर, उसमें बहुत सारे लोग आए एंड वहां पर एक तरीके से आपका क्लैश देखने को मिला अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, क्योंकि 200 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे इस बैटल का, जिसमें लोअर कास्ट जीती थी, स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स जीते थे, बट जो लोग हैं वो लोअर कास्ट की विक्ट्री मानते हैं और अपर कास्ट की लॉस मानते हैं। तो जो अपर कास्ट के लोग थे, मराठास थे, उन्होंने एक तरीके से, मराठास अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने इस चीज को अपोज किया, उन्होंने बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए एंड एक क्लैश देखने को मिला। एंड जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिससे हमारे प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनकी जान पे खतरा था। ऐसे लेटर्स मिले, माओइज्म से रिलेशंस मिले, नक्सलाइट से रिलेशनशिप देखने को मिले जो एल्गर परिषद का इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे थे। तो इसी चीज को लेकर जो है केस चला आ रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को जेल में भेजा गया था, यूएपीए लगाया गया था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एल्गर परिषद केस टॉक्स अबाउट। मूविंग फर्दर, हाँ अच्छा एक चीज और समझ लेना कि जब मैं लोअर कास्ट की बात कर रहा था तो लोअर कास्ट वो कौन से दलित थे, सो इट्स महार दलित, और आपके मराठास की तरफ से कौन थे, ब्राह्मण पेशवास। ओके चलिए मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी सॉरी सेकेंड एलिट वन लाइनर एक्सप्लेनर एंड दैट इज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो हमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी समझना है कि व्हाट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टॉक्स अबाउट। चलो देखो अब एनआईए होता क्या है। जब हम बात करें तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो एनआईए एक्ट 2008 से आई है, ठीक है। और ये सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है और ऑफेंसेस के लिए आपको प्रोसिक्यूट भी कर सकती है, सिंपल सी बात, समझ गए। अब ये ना तीन टाइप ऑफ केसेस देखती है, अगर हमारे नेशन की सुवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स खराब होते हैं तो उस केस में एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अगेंस्ट में कुछ हुआ हो उसमें एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इंडियन करेंसी पर हाई क्वालिटी काउंटरफीट स्मगलिंग हो रही है तब उस केस में एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है। ये तीन टाइप ऑफ केसेस एनआईए देखता है। पहला, जब हमारे नेशन की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल रिलेशन विद अदर स्टेट्स खराब होते हैं, पहला टाइप ऑफ केस तब देखता है एनआईए। दूसरा, जैसे कि टेररिज्म, पहला वाला एग्जांपल देता हूं, टेररिज्म से रिलेटेड केसेस। दूसरा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज में के अगेंस्ट कुछ ऐसे इवेंट हुए होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है तो उसमें एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है। एंड थर्ड के अगर आपके काउंटरफीट, इंडियन करेंसी को काउंटरफीट किया जाता है, मतलब काउंटरफीट का सिंपल सा मतलब ये है कि इंडियन करेंसी की स्मगलिंग हो रही है, गलत नोट छापे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ही छाप रही है, कोई और छाप रहा है, ठीक है, वो चीज। अब अगर हम बात करें तो अब एनआईए बना क्यों था, है ना। एनआईए बना इसीलिए था, एनआईए 2008 में बना। अब 2008 से हमें एक चीज याद आती है, 26/11। तो 26/11 जब मुंबई में अटैक हुआ था बाय द टेररिस्ट, उसके बाद एनआईए का फॉर्मेशन किया गया था कि भाई एनआईए की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर लेती थी, नॉर्मल पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर लेती थी टेररिज्म रिलेटेड केसेस में। अब अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड केसेस होता है उसमें सिर्फ एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सीबीआई एंड एनआईए। सी देखा जाए तो बोथ investigating agencies are central investigating agencies, but in reality there is a difference between CBI and NIA. होता क्या है देखो, CBI investigate करता है, ये हमको भी पता है, NIA भी investigate करता है, ठीक है, क्लियर है। जब CBI investigate करता है ना तो CBI को मान के चलो वैसे वेस्ट बंगाल में investigate करना है तो वो दो तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकता है वेस्ट बंगाल की स्टेट में। कैसे, या तो वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है वही बुलाए कि सीबीआई वी नीड यू टू इन्वेस्टिगेट इन आवर स्टेट, जो हमारे स्टेट में जो केस हुआ उसमें आप इन्वेस्टिगेट करो। दूसरा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सीबीआई को कि इन्वेस्टिगेट करिए, दो केसेस में। लेकिन वहीं अगर हम एनआईए की बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिंपल सा किसी भी स्टेट में जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेगा, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, ना ही उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। मतलब डायरेक्शन दे सकता है, अगर उन्होंने बोल दिया एनआईए इन्वेस्टिगेट करे तो करेगा, लेकिन उसको डायरेक्शन मिलने का वेट नहीं करना है। उसको अगर लगेगा कि भाई हाँ इन तीन टाइप ऑफ केसेस में ये वाला केस फिट बैठता है, तो एनआईए विदाउट परमिशन फ्रॉम एनीवन वो जाएगा, सीधा इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देगा। ये एनआईए की एक एक्सेसिव पावर मिल रखी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज। सो ये पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है। या देखो आज के हम एडिटोरियल की बात करें ना, तो देखो बहुत सारे लोगों के लिए आज देखा जाए तो आज के एडिटोरियल में ना कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी। दिस वन इज अबाउट पॉलिटिक्स। अभी एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र में जो क्योस चल रहा है उसको लेकर पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। दिस वन इज समथिंग अबाउट इस्लामिक जिहादिस्ट और नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ना ही इसमें कुछ टर्म्स हैं, ना ही इसमें कुछ ऐसी चीज है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। हाँ अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिखना चाहते हो जैसे कि सिविल सर्विसेज का या फिर कोई और सर्विसेज का, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी पूरा एडिटोरियल तब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे जहां पर इस्लामिस्ट जिहादिस्ट इन सब की बात की गई है, बस। ओके हाँ, हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक चीज हम जरूर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। यहां पर बात की गई है डेमोक्रेसी की, यहां बात की गई है रिपब्लिक की, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हम अपने भारत देश की, इंडिया की, तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जहां पर स्पेसिफिकली दोनों को मेंशन किया गया। दैट इज हमारा भारत का संविधान, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका जो इंट्रोडक्शन है, प्रियम्बल, है ना, मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंपल बुक। आप बुक खोलते हो, आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलता है, बुक खोलते हो उसके साथ साथ प्रीफेस मिलता है या इंट्रोडक्शन मिलता है बुक का। So that introduction or preface is what is a preamble of Indian Constitution, ठीक है। अब preamble है क्या वो समझेंगे, preamble को अपन एक एक पॉइंट समझने वाले हैं कि भाई preamble होता क्या है, ठीक है। चलिए देखो अगर हम preamble की बात करें, preamble of the Indian Constitution की बात करें, तो पहले ही बोला था कि preamble is the what is the introduction to the document which explains the objective of that document। ये सिंपल सा डेफिनेशन होती है प्रियम्बल की, मतलब वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है होल डॉक्यूमेंट की, होल डॉक्यूमेंट का एम, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। हम अगर बात करें तो हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे भारत के संविधान का ऑब्जेक्टिव, एम और पर्पस डिफाइन करता है, ठीक है। अब प्रियम्बल की हम बात करते हैं तो प्रियम्बल जो है ना वो चार चीजों का आइडिया देता है। देखो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा प्रियम्बल बोलता क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रियम्बल याद नहीं रहता, लेकिन आप लॉ स्कूल्स में जाओगे ना तो आपको प्रियम्बल बिल्कुल याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा व्हाट प्रियम्बल सेज, कैसे स्टार्ट होता है प्रियम्बल, ठीक है। देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो यहां पर आया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दोनों टर्म्स आए, एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन। उसके बाद ना फिर चार चीजों की बात की गई है। पहला जस्टिस, कैसे जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी कितने तरीके की, ये पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि जस्टिस कितने तरीके के होते हैं प्रियम्बल में, लिबर्टी कितने तरीके की होती है प्रियम्बल में, इक्वलिटी कितने तरीके की है, फेटर्निटी कितने तरीके की है। तो जस्टिस 3 तरीके की, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी कितने तरीके की, 5 तरीके की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी 2 तरीके की, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड फेटर्निटी सिंगल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसके लास्ट में प्रियम्बल में क्या लिखा रहता है कि प्रियम्बल जो है किसने ऐड कराया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐड किया था। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने लिखा है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब प्रियम्बल हमने पढ़ा। अब इस प्रियम्बल से हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? वी द पीपल। सो द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? पीपल। लोगों से आ रहा है ये सोर्स। सो द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली चीज पता लगती है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, है ना, बात की गई ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, ये पांच चीजों की बात की गई है। सो दैट शोज कि इंडिया एज अ कंट्री का नेचर क्या है। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो क्या बोलते हैं नेशन में या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसको। तो भाई क्या है? जस्टिस की बात हुई थी, लिबर्टी की बात हुई थी, फ्रेटर्निटी की बात हुई थी, इक्वालिटी की बात हुई थी। एंड लास्ट में क्या था कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसिफाई मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ। तो एक चीज और क्लियर होती है कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर दी फोर मेन थिंग्स जो कि हम प्रियम्बल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें तो देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई फर्स्ट जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब स्टार्ट हुई थी। तो लोगों को डेट भी याद रहती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग थी। जब जैसे ही पहली मीटिंग हुई ना, जवाहरलाल नेहरू ने 4 दिन बाद ऑन 13th ऑफ दिसंबर 1946 को एक चीज इंट्रोड्यूस करा था, प्रपोजल रखा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज समथिंग लाइक कि जो हम बनाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना। हम जो बनाने वाले हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या रहेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या रहेगी। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आगे चलकर हमने उसको क्या बोला? प्रियम्बल बोला। ठीक है। सो ये है प्रियम्बल की हिस्ट्री। अब इसमें से कुछ चीजें समझनी है कि भाई सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होता क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं सॉवरेन, है ना, हम बोलते हैं ना कि ये नेशन है सॉवरेन नेशन है, तो इट मींस कि वो उस नेशन के ऊपर किसी फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बर्डन नहीं है, ना ही इन्फ्लुएंस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। सो इंडिया जो है अपना जो लॉ बनाता है, इंडिया ने, मान के चलो इंडिया ने इंडिया के पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ, तो इंडिया ने क्या किसी के प्रेशर में आके पास किया? किसी फॉरेन पर्सन या फॉरेन कंट्री, फॉरेन स्टेट या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में पास किया? नहीं। हाँ, प्रेशर में पास किया किसके? हो सकता है कि भाई प्रेशर हुआ हो पार्लियामेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन किसका होगा? हमारी जनता का, वी द पीपल का। किसी फॉरेन स्टेट का नहीं हो सकता, किसी फॉरेन एंटिटी का नहीं हो सकता। अगर किसी नेशन पर किसी फॉरेन एंटिटी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी चीज में, चाहे पॉलिटिकल बात करें, चाहे इकोनॉमिकल बात करें, तो फिर वो नेशन क्या कहलाता है? सॉवरेन नेशन। दूसरा जो आता है वो है सोशलिस्ट। अब इंडिया में देखो, देखा जाए ना, सोशलिस्ट की डेफिनेशन सबने अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखी है। जैसे कि कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, तो सबने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखी है ना। कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन पढ़ोगे, सोशलिस्ट की डेफिनेशन अलग है। व्लादिमीर लेनिन की डेफिनेशन पढ़ोगे, सोशलिस्ट की डेफिनेशन अलग है। माओ की पढ़ोगे तो उसकी, उनकी कम्युनिस्ट की और सोशलिस्ट की डेफिनेशन अलग है। तो सबने ना अपने अपने हिसाब से, जैसे फेडरल कैस्ट्रो है क्यूबा का, उनकी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की डेफिनेशन अलग है। तो सबने अपने अपने हिसाब से ना सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिज्म की डेफिनेशन को मोल्ड कर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कंट्री के हिसाब से, अपने अपने नेचर के हिसाब से। इंडिया में सोशलिज्म है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब देखो, आपने नेशन देखे होंगे जहां तो या तो पूरा कैपिटलिस्ट होगा या फिर फुली कम्युनिस्ट होगा। कम्युनिस्ट तो कोई नेशन नहीं होता। कम्युनिस्ट का मतलब सिंपल सी बात होती है कि पूरा का पूरा नेशन जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सारी चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आपके घर तक आप गवर्नमेंट कंट्रोल में। दैट्स व्हाट कम्युनिस्ट इज। हमारे नेशन में जो सोशलिज्म जो वर्ड मेंशन है प्रियम्बल में, उसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट एंटिटी भी होंगी, गवर्नमेंट एंटिटी भी बिजनेस करेगी। जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, दोनों चीजें। तो देखो जिसके पास पैसा है इसको जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाए। सो दैट्स व्हाट मिक्स्ड इकोनॉमी सेज, एंड ये इंडिया के सोशलिस्ट का सोशलिज्म का मतलब है। वहीं फिर हम तीसरे वर्ड की बात करते हैं सेक्युलर के, कि भाई सेक्युलर का मतलब क्या है। अब मैं बात करूं मनु मिश्रा, तो मनु मिश्रा हो सकता है भाई सेक्युलर ना हो, आप सेक्युलर ना हो, मेरा रिलीजन है, माय रिलीजन इज हिंदू, किसी का रिलीजन मुस्लिम होगा, किसी का रिलीजन सिख होगा, किसी का रिलीजन ज्यूडिज्म होगा, किसी का रिलीजन क्रिश्चियन होगा। हाँ मैं अंदर सेक्युलर हो सकता हूं, बट जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई मैं सेक्युलर हूं अंदर से, या हर आदमी सेक्युलर तो नहीं हो सकता। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म सेज, द वर्ड मेंशन्ड सेक्युलरिज्म इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हमारे स्टेट जो है, मतलब इफ आई एम सेइंग स्टेट मतलब कंट्री जो है, हमारा नेशन जो है, उनकी जितनी भी गवर्नमेंट है, मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो, वो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी बायलॉज, कोई भी ऐसा लॉ बायलॉज या कुछ भी ऐसा लेकर लॉ ऑर्डर रूल्स रेगुलेशन नहीं लेके आएंगे जो रिलीजियस पर्पस या रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेट करता हो। ठीक है, दैट्स व्हाट सेक्युलरिज्म सेज, मतलब रिलीजन के पर्पस से, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के पर्पस से कुछ अच्छा नहीं करेंगे या किसी रिलीजन के लिए खराब नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के लिए सारे के सारे रिलीजन जो है बराबर है, वो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से लॉ नहीं बनाएगा। दैट व्हाट सेक्युलरिज्म मींस, जो कि मेंशन है हमारे इंडियन प्रीएम्बल में। फिर जो दूसरा वर्ड आता है, लास्ट दो वर्ड आते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है क्या, लोकतंत्र, ठीक है, लोगों का तंत्र। तो हमेशा याद रखिएगा जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक को हिंदी से लेकर चलना लोकतंत्र, तो डेमोक्रेटिक में लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र से ही हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। सो जिस नेशन में गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द पीपल, दैट नेशन इज व्हाट, डेमोक्रेटिक नेशन। हमारे नेशन में भाजपा की पार्टी बनी, भाजपा की गवर्नमेंट बनी, किसने बनाई, हमने वोट दिया ना, तो हमारा नेशन क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक नेशन। अब रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट से, और हेड ऑफ द स्टेट हमारे नेशन में कौन है, प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट नेशन, तो दैट नेशन इज व्हाट, रिपब्लिक। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट, डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है, डेमोक्रेटिक नेशन मतलब कि उस नेशन में अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द पब्लिक या पीपल, दैट नेशन इज डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक, इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड या इलेक्टेड बाय द पीपल, तो फिर वो नेशन क्या कहलाएगा, रिपब्लिक। जैसे कि यूके, तो यूके इज डेमोक्रेटिक, क्योंकि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में गवर्नमेंट फॉर्म पब्लिक करती है, जनता करती है, जनता वोट डालती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हेड ऑफ द स्टेट, तो वहां हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्वीन है, उनका इलेक्शन नहीं होता, वो तो हेरिडेटरी है। तो यूके इज डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, वी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नमेंट रन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन कर रहा है, हम। इलेक्ट कौन कर रहा है, हम, जनता। सो आवर नेशन इज व्हाट, डेमोक्रेटिक। और प्रेसिडेंट को भी हम इलेक्ट करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट डालता है, एमएलएज और एमपीज, है ना, इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, और उन इलेक्टेड एमएलएज और उन इलेक्टेड एमपीज को कौन इलेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली हम इलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई, ओके, दिस इज व्हाट प्रीएम्बल सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और लेट्स मूव ऑन टू दी नेशनल न्यूज एंड लेट्स सी नेशनल न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अच्छा, ये पेज पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, पॉलिटिक्स या फिर लोकल न्यूज से भरा हुआ है, स्किप करो, चलेगा। देन ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट हैपेंड, यशवंत सिन्हा जो कि अपोजिशन कैंडिडेट है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उन्होंने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो फिर सिडिशियस लॉ को हटा दूंगा। मतलब उनका ये कहना था कि सिडिशियस लॉ शुड गो, मतलब सिडिशियस लॉ जो है वो गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अभी गवर्नमेंट, और गलत चीजों के इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी के चलते सिडिशियस लॉ हटाने की बात यशवंत सिन्हा ने बोली है, जो कि अपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। मूविंग फॉरवर्ड, एक जगह नोटबुक में, एक जगह नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि सत्येंद्र लांबा जो कि बहुत सेलिब्रेटेड डिप्लोमैट हैं आईएफएस फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर रहे, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 81 एंड उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। यहाँ पर मैंने खुद मार्क किया हुआ है कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर मिस्टर लांबा जो थे वो इंडियाज डेप्यूटी हाई कमिश्नर थे फ्रॉम 1978 टू 81, देन 1992 से 1995 तक वो हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है सर हमने किसी नेशन में सुना है एम्बेसडर होता है, किसी नेशन में हमने सुना है हाई कमिश्नर होता है। देखो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज अ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो उन नेशन में क्या होता है हाई कमिश्नर। जो कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, वो क्या है वहां पर एम्बेसडर होता है, बाकी काम वही है बस नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि कलेक्टर और डीएम में होता है ना, एमपी में जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे वहां बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं, और अगर आप यूपी में आओगे तो वहां बोलते हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये काम नाम वही है, पोजीशन वही है, बस नाम चेंज हो गया। नेक्स्ट न्यूज, डीआरडीओ कैरीज आउट टेस्ट फ्लाइट फॉर ऑटोनोमस यूएवी, सो व्हाट हैपेंड। तो अगर हम बात करें यूएवी क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यहां बोल सकते हैं ड्रोन्स। तो डीआरडीओ जो है डिफरेंट क्लास के यूएवी बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, मतलब ड्रोन इन द सेंस हम वो ड्रोन्स की बात नहीं कर रहे जो व्लॉग्स में आप देखते हो या आप ऊपर से देखते हो। डीआरडीओ वो डिफेंस यूएवी बना रहे हैं, जैसे यूएस ने आपने बड़े बड़े प्लेन्स के साइज में आपने ड्रोन्स देखे होंगे, वो ड्रोन्स बना रहे हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज से या स्पिनेज और इन सब चीजों के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट को कैरिड आउट किया है एक यूएवी का, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, जो कि ऑटोनोमस था। ऑटोनोमस फ्लाइट किया, मतलब ऑटोनोमस फ्लाइट का मतलब ऑटोमेटिकली उसने खुद ही लैंडिंग करी, सब चीज उसने खुद करी है, खुद से। ऑटोनोमस मतलब खुद से। मूविंग फर्दर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। या सो इंडिया ने पाकिस्तान से बोला है कि जो आपने 536 फिशरमैन को अपनी कस्टडी में ले रखा है, अपनी जेल में ले रखा है, उनको आप रिलीज कर दो, है ना। ये इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है क्योंकि गुजरात के पोरबंदर एरिया में इतने सारे ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा कम एरिया है, वाटर है, तो पता नहीं लगता फिशरमैन्स को कि हमारा कौन सा एरिया है, उनका कौन सा एरिया। तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान के बहुत सारे जो नेवी ऑफिशियल्स होते हैं, मराइन फोर्सेज होती हैं, वो इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इंडिया ने वही डिमांड रखी है पाकिस्तान के सामने कि आप ना 536 फिशरमैन्स को जो आपने कस्टडी में ले रखा है उनको आप रिलीज करिए। मूविंग फर्दर, सो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक टॉक किया व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, एंड उन्होंने यूक्रेन का इशू डिस्कस किया एंड बायलेटरल ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स एंड फर्टिलाइजर में उन्होंने डिस्कस किया। इन दो चीजों में उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। सो कल ना रथ यात्रा थी जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी के साथ साथ जहां जगन्नाथ जी का टेम्पल होता है वहां सब जगह रथ यात्रा निकलती है एंड इट्स एनुअल रथ यात्रा। तो उसी चीज को लेकर बताया गया कि गवर्नमेंट ने ना 200 स्पेशल ट्रेन चलाई थी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पिलग्रिम्स के लिए। ओके, मूविंग फॉरदर, नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट कोविड-19 केसेस। तो राइट नाउ इन आवर नेशन देयर आर अराउंड 1,07,200 एक्टिव केसेस ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 केसेस अभी भी सर्ज होते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मूविंग फॉरदर, बिजनेस न्यूज में पढ़ना नहीं है, हम बिजनेस न्यूज को स्किप करेंगे। So we'll move on to the world news. So what happened? Hong Kong moving from chaos to order. अब ये हांगकांग का ना, ये देखो ये वाला ना, ये इशू बहुत समझ में, बहुत सुनने में आ रहा है कि भाई ये हांगकांग है क्या, है ना, हांगकांग का इशू क्या है। हांगकांग में अभी न्यू सिक्योरिटी लॉ आया, तो ये चीज आप खुद से पढ़िए, ठीक है, हांगकांग वाला। बाकी कल ना इस चीज पर डिस्कशन होगा, लेकिन खुद से पढ़ के आइएगा कि वॉट हांगकांग वाली चीज है क्या, ये हांगकांग में इतना है क्या। वन नेशन टू पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट था, टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। मतलब जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना मेनलैंड की बात करते हैं, चाइना मेनलैंड जो है इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहीं अगर हांगकांग की बात करते हैं तो हांगकांग इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। तो सिंपल सी बात थी, नेशन एक रहेगा लेकिन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज रहेगा। आपके कम्युनिस्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या रहेगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। लेकिन जो मेनलैंड चाइना है वो हांगकांग में अपना इतना ज्यादा डोमिनेंस दिखा रही है और वहां से डेमोक्रेसी हटाकर चाइना मेनलैंड इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रही है। इस चीज को लेकर जो है बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे कि न्यू सिक्योरिटी लॉ क्या था जो कि हांगकांग में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस ला सकता है। सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। ओके, हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है इन दी कॉमेंट बॉक्स, अगर आपको कोई डाउट है फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर और समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन दी चैट बॉक्स. Any doubt? So why is legislature party and which party's 2/3 members allowed is required to claim exception? देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान के चलते हैं यूपी में बीजेपी है और यूपी में बीजेपी के 200 MLA हैं, है ना. अब 200 MLA हैं बीजेपी के, अगर 200 में से 133, ठीक है, यही हो रहा है 33 आपका वो 2/3 200 का ये निकल रहा होगा. सो 133 अगर एमएलएज यूपी के बीजेपी पार्टी की किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते हैं, कांग्रेस में शिफ्ट होते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा. ये सिंपल सी बात है ना. सर जुलाई में कब से न्यू सेशन ऑफ क्लैट एली स्टार्ट हो रहा है? मंजू, ये आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एडमिन से कांटेक्ट करिए एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ये कब से स्टार्ट हो रहा है. छाया, आई डिडंट गेट योर डाउट, क्या आपने क्या लिखा है? या आदिति, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सर हाउ टू कवर स्टैटिक जीके? देखो स्टैटिक जीके एक पहली बात तो आता नहीं है, तो स्टैटिक जीके अगर कवर करना है, जैसे आज अपन ने कवर किया स्टैटिक जीके, एल्गर परिषद के है तो स्टैटिक 2017 में हुआ था, है ना, 4 साल 5 साल पुरानी बात है, स्टैटिक का पार्ट है. तो ऐसे कवर करिए आप जहां करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो. अगर आपको लग रहा है कि भाई इसका मुझे थोड़ा बैकग्राउंड समझना चाहिए तो बैकग्राउंड पढ़ो. अगर बैकग्राउंड पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट होगा. जैसे आपने एल्गर परिषद है, एल्गर परिषद से आपने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ लिया आपने. That's how to cover, that's the way to cover स्टैटिक जीके. आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की बुक नहीं पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना है, बैकग्राउंड पढ़िए उसका. चलो, सो वी एंड द एनालिसिस हियर. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. शाश्वत, द मीनिंग ऑफ एल्गर इज ओपन इन्विटेशन या फिर ओपन डिक्लेरेशन.